वाला लोग ये लोग शादी ब्याह कम करता है और ये लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके हमारे बहु बेटियों का इज्जत लूटने का काम करता है। जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहेगा वैसे देशद्रोहियों को भारत सरकार और राज्य सरकार माफ नहीं करेगी। कि जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वह कम होगी और बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक अमर्यादित बयान हेमंत सोरेन ने दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कल बरहरवा में चुनावी जनसभा में भाजपा के नेताओं पर दिए गए विवादित बयान। भाजपा वाला लोग ये लोग शादी ब्याह कम करता है और ये लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके हमारे बहु बेटियों का इज्जत लूटने का काम करता है। विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ जिला के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोर भर्त्सना की है और चुनाव आयोग से इस बयान की शिकायत की और कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। कि जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वह कम होगी और बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक अमर्यादित बयान हेमंत सोरेन ने दिया है और हिंदू जनमानस की जो भावना है गेरुआ के ऊपर जिस प्रकार का कुठाराघात उन्होंने किया है उससे हिंदू जनमानस की भावना बहुत आहत हुई है। और क्योंकि ये हताशा इसलिए नहीं है, ये हताशा इसलिए है कि जिस प्रकार से संथाल से उनका पूरा अस्तित्व समाप्त है, वो हम पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं और क्षेत्रीय दलों का मूल स्वरूप ही जातिवाद है, वो हिंदू को गाली देने का काम कर रहे हैं, ये इस पर हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है और उन पर कठोरतम कार्रवाई हो इसकी मांग भी की है। और आप मान करके चले कि इस बार की जनता ने उनको यहां से नकार दिया है और हताशा भरा बयान उन्होंने इस प्रकार से दिया है, ये हताशा का प्रतीक है। कानून पर विश्वास नहीं है, उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लोकसभा राज्यसभा से बहुमत पारित कराकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सारे अधिनियम बने हैं, कानून बने हैं, लेकिन ये देश हित को नहीं चाहने वाले विपक्षी दल ये देश में एक प्रकार का बवंडर खड़ा करने में, मोदी सरकार को बदनाम करने के पीछे एक वैश्विक चाल है, वैश्विक षड्यंत्र है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दल दिल्ली में आप कर रही है तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। ऐसे क्षेत्रीय दल को भय है कि आने वाले दिनों में बंगाल की गद्दी भी हिलने वाली है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। केरल में भी भाजपा की खौफ है, इसलिए केरल में इस प्रकार की घटना है। अगर दम है तो झारखंड में करें, अगर उसको दम है तो उत्तर प्रदेश की धरती में करें, ईंट से ईंट बजाकर सरकार रख देगी। साहिबगंज पाकुड़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री आपके झारखंड के सुप्रीमो हेमंत सोरेन के द्वारा जो भगवा धारी लोगों को जो है सो बलात्कारी कहा गया है, इसको भारतीय जनता पार्टी इस बयान का घोर निंदा करती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग से यह मांग करते हैं कि इस तरह का अमर्यादित असंवैधानिक बात कहने वाले श्री हेमंत सोरेन के ऊपर में जो संविधान के तहत जो धारा लगनी चाहिए था देशद्रोह का, इस धारा लगाकर उनको निश्चित रूप से केस किया जाए। वह चुनाव आयोग इस पर जो है सो जल्द से जल्द कार्रवाई करे।